मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले, सच सच, MDH, MDH, गैलेंट एडवांस रेबर, निर्माण का रियल हीरो, और डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी कुटने टेकेगा। कहते हैं कि सुबह का सूरज अपने आप में कई सकारात्मक संदेशों को समेटे हुए होता है। इससे हम जगना भी सीख सकते हैं, इससे हम जगाना भी सीख सकते हैं, इससे हमें प्रकाश बांटना भी सीख सकते हैं, वो भी बिना किसी स्वार्थ के। एक नई सुबह है, नया सूरज है, नया सवेरा है, और हम हाजिर हैं लेकर अपना ये नया शो नया सवेरा। इसमें हम दिन भर में होने वाली जो देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स होंगी उन पर विस्तार से करेंगे बातचीत, और अगले एक घंटे हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद रहेंगी हमारी सहयोगी कृतिका। सुप्रभात कृतिका। शुक्रिया शैला, सुप्रभात आपको और साथ ही सुप्रभात सभी दर्शकों को, क्योंकि अगले एक घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबर, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी आज लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव होना है, क्योंकि बीते कल की अगर हम बात करें तो नामांकन दर्ज किया गया। एनडीए की तरफ से ओम बिरला ने अपना नामांकन दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इंडिया अलायंस की तरफ से कांग्रेस के सांसद के सुरेश ने अपना नामांकन दर्ज किया है। तो अब ऐसे में आज चुनाव होना है और चुनाव के बाद नतीजे सामने आएंगे। हालांकि अगर हम देखें बहुमत के हिसाब अगर हम देखें तो एनडीए का पाला थोड़ा ज्यादा भारी हमें फिलहाल नजर आता है, यानी कि ओम बिरला के अध्यक्ष बनने के चांसेस थोड़े से ज्यादा है। इसके साथ ही अगर हम देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और तमाम अन्य पार्टियों ने अपने सभी सांसदों को व्हिप भी जारी किया है, तो इस पर हम विस्तार से बात करेंगे अपने संवाददाताओं से भी। लेकिन इसके अलावा अगर देखा जाए तो आज अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होनी है। देखना होगा कि अरविंद केजरीवाल को किस प्रकार से राहत मिलती है या नहीं। साथ ही अगर देखा जाए तो आज अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है, क्योंकि आगामी 29 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने जा रही है, तो किस तरीके की तैयारियां हैं वहां पर उस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। साथ ही देश की तमाम अन्य खबरों का भी रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले नया सवेरा में नजर डाल लेते हैं इस टॉप स्टोरीज यानी कि सुर्खियों पर। अठारहवीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष का चुनाव आज। एनडीए उम्मीदवार ओम बिरला और प्रतिपक्ष के उम्मीदवार के सुरेश के बीच मुकाबला। अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। वहीं सीबीआई केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में संबंधित ट्रायल कोर्ट में करेगी पेश। उनतीस जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। जम्मू कश्मीर पुलिस की सुरक्षा विंग ने जम्मू में अमरनाथ बेस कैंप के आसपास के इलाके में सुरक्षा के किए पुख्ता इंतजाम। केन्या में कर बढ़ोतरी को लेकर हिंसक विरोध प्रदर्शन, 5 लोगों की मौत, दर्जनों जख्मी। अमेरिका ने की निंदा, भारत ने अपने नागरिकों के लिए जारी की एडवाइजरी। खेल की खबरों में राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता तुलिका मान ने जूडो में हासिल किया पेरिस ओलंपिक कोटा। 25 वर्षीय तुलिका को 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में मिली जगह। दुनिया के नंबर एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बने भारत के सुहास यतिराज। BWF पैरा बैडमिंटन विश्व रैंकिंग में सुहास ने SL4 वर्ग में फ्रांस के लुकास माजर को छोड़ा पीछे। तो चलिए सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, इसमें नया सवेरा में सबसे पहले देख लेते हैं देश भर से कुछ खास और अहम खबरें। जी हां, बात करेंगे 18वीं लोकसभा के लिए अध्यक्ष पद के लिए आज चुनाव होना है। एनडीए की ओर से वरिष्ठ भाजपा सांसद ओम बिरला और विपक्षी गठबंधन की तरफ से कांग्रेस सांसद के सुरेश के बीच ये मुकाबला होना है। संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है। इसका मतलब है कि जिस उम्मीदवार को सदन में मौजूद सदस्यों में से आधे से अधिक वोट मिलेंगे उसे अध्यक्ष चुना जाएगा। हालांकि सत्तारूढ़ एनडीए के पक्ष में बहुमत है और पूरी संभावना भी है कि ओम बिरला को इस बार भी लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुन लिया जाएगा।
वहीं विपक्ष अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार कर पूरी टक्कर देने को तैयार है। पिछली लोकसभा में अध्यक्ष रहे ओम बिरला राजस्थान से लगातार तीसरी बार कोटा बूंदी लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो वहीं 8 बार के सांसद और विपक्ष के उम्मीदवार कांग्रेस के सुरेश केरल की मावेलिका कारा सीट लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। संसदीय इतिहास में अभी तक इससे पहले 3 लोकसभा अध्यक्ष ही दूसरी बार स्पीकर बने हैं, जबकि केवल 2 बार ही 1952 और 1976 2 बार ही लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ है। इसके अलावा हर बार सर्वसम्मति से ही लोकसभा अध्यक्ष चुने जाते रहे हैं। तो देश के संसदीय इतिहास की अगर हम बात करें तो ऐसे बहुत कम ही अवसर आए हैं जब स्पीकर का चुनाव हुआ हो और विपक्ष ने स्पीकर पद के लिए अपना उम्मीदवार खड़ा किया हो। और इस बार विपक्ष ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता के सुरेश को अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार बनाया है, जबकि सरकार ने पूर्व लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को फिर से अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं दूसरी ओर विपक्ष ओम बिरला का समर्थन करने के बजाय इस बात पर अड़ा हुआ है कि पहले उन्हें डिप्टी स्पीकर का पद दे दिया जाए, उसके बाद ही वो ओम बिरला का समर्थन करेंगे। अब अध्यक्ष पद के चुनाव पर जारी तकरार पर आपको दिखाते हैं हमारे संवाददाता अमरेंद्र की ये खास रिपोर्ट। 18वीं लोकसभा में नव निर्वाचित सांसदों के शपथ के बाद अब लोकसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी और ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष का चयन एक खासा अहम माना जा सकता है। लेकिन संसदीय परंपराओं में कम ऐसे ही मौके आए हैं जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव के बाद चयन किया जाता है। देश में ऐसे कम मौके आए हैं जब विपक्ष की तरफ से भी कोई कैंडिडेट आता है, और इस बार एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला उम्मीदवार हैं, वहीं विपक्ष की तरफ से केरल के वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद कोडिकुलम सुरेश को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है। और चूँकि अभी तक इस संसदीय परम्परा में चुनाव बहुत कम हुए हैं, ऐसे 1 या 2 मौके ही आए होंगे जब चुनाव की नौबत आनी पड़ी, लेकिन इस बार 18वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव को खासा अहम इसलिए भी माना जा सकता है जब NDA की बहुमत की सरकार ने फिर से एक बार लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला के नाम पर सहमति बनाने की कोशिश की, तो विपक्ष जो है इस बात पर अड़ा रहा कि उनको डेप्यूटी स्पीकर का पद पहले दे दिया जाए, जिसके बाद वो सर्वसम्मति से ओम बिरला को समर्थन दे देंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि जिस तरह से लोकतंत्र की एक तस्वीर होनी चाहिए और लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, उस पर इस बार इसलिए भी सवाल खड़े होते हैं कि कांग्रेस जहां 2014 और 2019 के बाद 2024 में एक मजबूत भूमिका के साथ आई है और विपक्ष भी खासा मजबूत हुआ है, ऐसे में लोकतंत्र की तस्वीर के लिए विपक्ष की मजबूत भूमिका अपेक्षित थी, लेकिन ऐसा लोकसभा अध्यक्ष के तौर पर ओम बिरला और के सुरेश के बीच में चयन हो रहा है, ऐसे में जो बुधवार है उसमें सुबह 11 बजे वोटिंग के माध्यम से ये तय होगा कि कौन लोकसभा अध्यक्ष होगा 18वीं लोकसभा में। कैमरामैन नवीन के साथ अमरेंद्र गुप्ता, संसद भवन, DD News, दिल्ली। तो हमारे दर्शकों के लिए ये जानना भी बेहद महत्वपूर्ण है कि आखिर कैसे होता है लोकसभा अध्यक्ष पद का चुनाव, तो चलिए ये जानने के लिए आपको ये खास रिपोर्ट दिखाते हैं। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के दौरान शपथ ग्रहण के बाद आज तय होगा कि लोकसभा का नया अध्यक्ष कौन होगा। मंगलवार को लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए 2 अलग अलग प्रस्ताव लोकसभा सचिवालय में दाखिल किए गए। सत्ता और विपक्ष की तरफ से उम्मीदवारों के सामने आने के बाद ही साफ हो गया है कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के लिए मतदान होगा, उसके बाद ही 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष चुना जाएगा। आम सहमति बनाने के सत्ता पक्ष के प्रयासों के बीच विपक्षी दलों ने अध्यक्ष पद के लिए अपना उम्मीदवार उतार दिया। सत्ता पक्ष की तरफ से पिछली लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ही उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस की ओर से वरिष्ठ सांसद के सुरेश उम्मीदवार हैं। सुबह 11 बजे मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। लोकसभा में अध्यक्ष को सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से चुना जाता है। साधारण बहुमत से मतलब सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले 50% से अधिक सदस्यों से है। जिस उम्मीदवार को 50% से अधिक सांसदों का वोट मिलेगा वो अध्यक्ष के लिए चुना जाएगा। लोकसभा की 542 सीटों में बहुमत 271 का होता है और NDA के पास बहुमत से ज्यादा सांसद हैं।
इस तरह भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन के पास सदन में बहुमत है और उसे अपनी पसंद का अध्यक्ष चुनने में कोई कठिनाई नहीं होने की संभावना है। 18वीं लोकसभा में नव निर्वाचित सांसदों के शपथ के बाद अब लोकसभा की कार्रवाई सुचारू रूप से आगे बढ़ेगी और ऐसे में लोकसभा अध्यक्ष का चयन एक खासा अहम माना जा सकता है। लेकिन संसदीय परंपराओं में कम ऐसे ही मौके आए हैं जब लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव के बाद चयन किया जाता है। देश में ऐसे कम मौके आए हैं जब विपक्ष की तरफ से भी कोई कैंडिडेट आता है और इस बार एक तरफ जहां सत्ता पक्ष की तरफ से लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार के तौर पर ओम बिरला उम्मीदवार हैं, वहीं विपक्ष की तरफ से केरल के वरिष्ठ कांग्रेसी सांसद कोडिकुलम सुरेश को विपक्ष ने अपना उम्मीदवार बनाया है। संसदीय जानकारों के मुताबिक अगर लोकसभा अध्यक्ष का नाम सदन द्वारा ध्वनिमत से स्वीकृत हो जाता है तो पीठासीन अधिकारी इस बात की घोषणा करेंगे कि किस सदस्य को सदन का अध्यक्ष चुना गया है। ध्वनिमत से चुनाव हो जाने के बाद प्रस्ताव पर मतदान नहीं कराया जाएगा। हालांकि अगर विपक्ष सदन में मत विभाजन की मांग करता है तो इसको लेकर चुनाव कराए जाएंगे और इस स्थिति में सदन के कर्मचारी सांसदों को पर्चियां देंगे और फिर मतदान कराया जाएगा। सदस्यों को अभी सीटें आवंटित नहीं की गई हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले प्रणाली का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। Then the first motion that will be taken up will be from the government. It will be taken up and it will be put to the vote of the house. Like any other motion that is put in the house, you know, for seeking the opinion of the house, seeking the decision of the house. So this will be put and there will be ayes and noes. And if nobody challenges it, then the speaker will announce that so and so has been elected by the house. But if somebody challenges it, then there will be a vote. स्पीकर का चुनाव हो जाता है तो उनको उनके जो जहाँ भी वो बैठे होते हैं उनकी सीट के सामने प्रधानमंत्री जी और अपोजिशन लीडर, और अगर प्रधानमंत्री लीडर ऑफ द हाउस नहीं है तो लीडर ऑफ द हाउस, ये तीनों मिलकर या दोनों मिलकर, अगर प्रधानमंत्री जी ही लीडर ऑफ द हाउस है तो वो दोनों मिलकर स्पीकर चुने हुए स्पीकर साहब को उनकी उनकी आसंदी तक उनके आसन तक पहुँचाते हैं और उनको बाकायदा वो आसीन होते हैं। उसके पश्चात प्रधानमंत्री जी उनके बारे में एक संक्षिप्त परिचय देते हैं और भी यदि कोई नेतागण पार्टियों के अगर उनके पक्ष में उनके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो वो उन्हें कहने का मौका दिया जाता है। संख्या बल के लिहाज से देखें तो एनडीए को लोकसभा में पूर्ण बहुमत हासिल है, लिहाजा ओम बिरला का लोकसभा अध्यक्ष चुना जाना तय है। लेकिन इस मामले में राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। स्पीकर का जो पद है ये किसी एक पार्टी का पद नहीं होता है, ये पार्टी पॉलिटिक्स के ऊपर का एक पद होता है। पर कांग्रेस पार्टी और विपक्षों ने सर्वानुमत से स्पीकर को इलेक्ट करने के बजाय इसमें भी राजनीति करने का प्रयास जो किया है, ये अपने जो सांविधानिक और लोकतंत्र के परंपरा है इसके अनुसार नहीं है। संसद का जो परंपरा रही है, जो शासक पक्ष होता है उनका ही अध्यक्ष चयन किया जाता है, यह हम काफ़ी दिनों से यही परंपरा का साक्षी हम सब लोग हैं। लेकिन इंडी अलायंस कांग्रेस के नेतृत्व में हमेशा परंपरा को भंग करने का उनका एक स्वभाव रहती है। हमारा राइट वो कट हुआ था, वो डिप्टी स्पीकर को विपक्षी को आए गए, बट ये बीजेपी तैयार नहीं करेगा, इसलिए हम नॉमिनेशन फाइल कर दिया। संसदीय इतिहास पर नजर डालें तो अभी तक इससे पहले 3 लोकसभा अध्यक्ष ही दूसरी बार स्पीकर बने हैं, जबकि अब तक केवल 1952 और 1976 में 2 बार ही लोकसभा अध्यक्ष पद के लिए मतदान हुआ है। इसके अलावा हर बार सर्वसम्मति से ही लोकसभा अध्यक्ष चुने जाने की परंपरा रही है। आमतौर पर सत्ताधारी दल के सदस्य ही स्पीकर पद के लिए चुने जाते हैं, लेकिन इस बार विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतारकर चुनाव जरूरी कर दिया है। शैलेंद्र मिश्रा और अमरेंद्र गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, DD News।
तो लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप भी जारी किया है। सुबह 11 बजे के लिए व्हिप जारी किया गया है। तो वहीं कांग्रेस ने भी अपने सदस्यों को सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। सदन में पार्टी के मुख्य सचेतक के सुरेश ने सभी सदस्यों को सुबह 11 बजे से लेकर सदन के स्थगित होने तक सदन में उपस्थित रहने का निर्देश दिया है। तो नया सवेरा में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का ही, और साथ ही आप बने रहिएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव पर, कि आखिर किस तरीके से किसका बहुमत कहां तक पहुंच रहा है, किसके ज्यादा अध्यक्ष बनने की संभावनाएं नजर आ रही है, इसको लेकर ताजा अपडेट लेंगे अपने संवाददाताओं से। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। जिन्होंने यूज किया है वो जानते हैं असली हींग का स्वाद। MDH सुपर हींग, शुद्धता का असली तड़का। MDH। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। मैके जी सब जानते हैं, जहां देखे मारियो अपना समझ के खा लियो। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं नया सवेरा और हम बात कर रहे हैं स्पीकर के चुनाव से जुड़ी हुई, और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए ओम बिरला के निवास से अमरेंद्र गुप्ता हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात अमरेंद्र। अमरेंद्र, देखिए अगर आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो NDA के पास बहुमत है और पूरी उम्मीद है कि ओम बिरला जो है चुन लिए जाएंगे, लेकिन फिर भी कांग्रेस ने, विपक्ष ने जिस तरह से अपने प्रत्याशी को उतारा है, क्या इससे जो उनकी मांग थी डिप्टी स्पीकर वाली वो कुछ हल होती भी नजर आएगी? देखिए, मैं आपको बता दूं कि संसदीय परंपरा में ऐसे बहुत कम मौके आते हैं जब लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव की नौबत आती है। ऐसे इतिहास में देखें तो केवल 2 बार ही ऐसे मौके आए हैं, और जो संविधान का जो चुनाव प्रक्रिया है उसका आर्टिकल जो 93 है लोकसभा के अंतर्गत, उसके तहत किसी भी सदन में लोकसभा अध्यक्ष चुना जाता है, और उसमें जो है बहुमत का जो आंकड़ा होता है वो आधे से ज़्यादा सदस्यों का को उसके फेवर में अपना मतदान करना होता है। और चूंकि इस बार जो है 442 जो लोकसभा के सदस्य हैं उसमें से 437 जो लोकसभा के सदस्य हैं उनकी शपथ कल तक हो चुकी है, और जो 5 अभी जो सदस्य बचे हैं वो 2 सदस्य जो जेल में हैं और कुछ लोगों ने शपथ नहीं लिए, तो इस वक्त का जो आंकड़ा है जो हाउस का वो 437 है। इसमें से आधे से ज़्यादा वोट की जो वो तय करता है कि लोकसभा अध्यक्ष कौन होगा। लेकिन इस बार जो स्थितियां जो बदली हुई हैं चुनाव की, उसके अगर मद्देनज़र देखें तो NDA की तरफ से पर्याप्त बहुमत के बाद जब ये बात रखी गई कि ओम बिरला जो कि 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं उनको भी 18वीं लोकसभा में अध्यक्ष के तौर पर चुना जाएगा, इसके लिए एक सर्वसम्मति बनाने की बात की गई, और विपक्ष से बाकायदा इस मामले में जो NDA घटक दल के नेता हैं राजनाथ सिंह, उनको इस काम पे लगाया गया कि विपक्ष से इस बात पे राजी किया जाए कि जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो ओम बिरला के नाम पे सर्वसम्मति बने। लगातार राजनीतिक हलचलें चलती रही। राजनाथ सिंह ने बाकायदा जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मल्लिकार्जुन खड़गे उनसे बात की और इस बात पर राजी किया कि आप जो है सर्वसम्मति से लोकसभा अध्यक्ष के लिए ओम बिरला के नाम पर अपनी सहमति दे। लेकिन जो विपक्ष का जो रवैया था वो खासा अरियल रवैया देखा गया, क्योंकि विपक्ष ने एक शर्तों के साथ, विपक्ष ने साफ तौर पर कहा कि अगर आप डेप्यूटी स्पीकर हमें दे देंगे तो हम स्पीकर के पद पर ओम बिरला जी को सहमति के साथ सर्वसम्मति से चुनने के लिए तैयार हैं, और ये लगातार ये घटनाक्रम चलता रहा। लेकिन कल आपने जैसा देखा कि करीब 12 बजे के आसपास तक तस्वीर बहुत क्लियर हो गई, बाकायदा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पद पर अपना नामांकन किया, और विपक्ष की तरफ से कांग्रेस के 8 बार के सांसद जो केरल के कोडिकुलम सुरेश हैं, केरल से आते हैं,
उन्होंने अपना नामांकन दिया इंडिया ब्लॉक्स की तरफ से। तो जो ये उहापोह की स्थिति चलती रही और आज जो है 11 बजे मतदान होना है, इसके लिए सभी पार्टियों ने बाकायदा नोटिस जारी किए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपने सभी सांसदों को कॉल ऑन टाइम दिया है 10:30 बजे का, उनको संसद भवन में 10:30 बजे रहना है। उससे पहले एक ट्रेनिंग सेशन होगी और उसमें ट्रेनिंग सेशन में बताया जाएगा कि इस बार मतदान कैसे होगा। मैंने जैसा आपको बताया कि आर्टिकल जो 93 है उसके तहत मतदान होता है, इसमें बाकायदा जब मतदान होता है तो एक मोशन मूव किया जाता है पार्लियामेंट में और मोशन के बाद एक प्रस्ताव दिया जाता है कि सत्ता पक्ष की तरफ से कि ओम बिरला जो है लोकसभा अध्यक्ष के लिए इस चुनाव में है। तो जब वो मोशन मूव होगा उसके बाद प्रस्तावक अपना प्रस्ताव देंगे और उसके बाद इस बार चूंकि नई संसद भवन में इस बार मतदान हो रहा है लोकसभा अध्यक्ष के लिए, तो चूंकि अभी तक जो सांसद हैं उनकी अभी सीटें अलॉट नहीं हुई है, इसलिए ऐसा बताया जा रहा है कि इस बार जो मतदान है वो पर्चियों से होगा और वो पर्चियां जो है 11 बजे सभी सांसदों के हाथ में आएंगी। उसके बाद उस पर जिस भी सांसद को लोकसभा अध्यक्ष के लिए नाम लिखना है वो अपना नाम लिखेंगे और उन पर्चियों को डालेंगे, उसके बाद वो काउंटिंग होगी और लगभग तस्वीर मुझे लगता है 40 मिनट में 11:40 तक तस्वीर सामने होगी। और इस बार जो दोनों उम्मीदवार हैं, चाहे ओम बिरला हो चाहे के सुरेश हो, उनको जो है इस चुनाव के जरिए जाना है। लेकिन जो सत्ता पक्ष का जो गणित है और जो अंक है वो पूरी तरह से जो है एनडीए के साथ है और ऐसा माना जा रहा है कि चुनाव के बाद भी तस्वीर वही होगी, एनडीए का ही लोकसभा अध्यक्ष होगा, यानी कि ओम बिरला ही लोकसभा अध्यक्ष होंगे, इसकी पूरी तरह से संभावना है। जी जी, देखिए आप खुद कह रहे हैं कि संभावनाएं सबसे ज्यादा जो है वो ओम बिरला की है कि उन्हें ही वो ही अध्यक्ष बनेंगे, क्योंकि नंबर गेम के अगर हिसाब से हम बात करें तो एनडीए के पास में पूर्ण बहुमत है। लेकिन उसके बावजूद भी आखिर कांग्रेस ने क्या कारण ऐसे मुख्य रहे जिसकी वजह से के सुरेश को नामांकन करना पड़ा, आखिर क्यों ओम बिरला के नाम पर सहमति नहीं बन पाई? क्योंकि डिप्टी स्पीकर की बात तो कही जा रही है कि डिप्टी स्पीकर का पद पहले दे दिया जाए, उसके बाद में अध्यक्ष का चुनाव होता रहेगा, लेकिन क्या जब नामांकन कर दिया गया है के सुरेश की तरफ से तो क्या उसके बाद में अब चीजें साफ होंगी? आम सहमति तो अभी भी बनती हुई नजर नहीं आ रही है। अमरेंद्र कृतिका, बिल्कुल अभी तक आम सहमति बनने के लिए जितने प्रयास किए गए सत्ता पक्ष की तरफ से एनडीए की तरफ से वो नाकाम साबित हुए, क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो विपक्ष का कहना है कि वो परंपरा की बात कर रहे हैं कि परंपरा के नाते जो है लोकसभा उपाध्यक्ष का जो पद है वो विपक्ष के पास होता है और सत्ता पक्ष के पास लोकसभा अध्यक्ष का पद होता है, यानी कि उपाध्यक्ष उनका ये कहना था कि पहले हमें आप उपाध्यक्ष तय कर दीजिए कि विपक्ष से लोकसभा उपाध्यक्ष बनाइए, डेप्यूटी स्पीकर बनाइए और उसके बाद हम सर्वसम्मति से आपको जो है हम समर्थन देंगे और ओम बिरला के नाम पर अपनी सहमति देंगे। इसमें देखिए 2-3 चीजें और हैं, कल बहुत सारी राजनीतिक उठापटक देखी गई और जो इंडिया ब्लॉक्स है इंडिया ब्लॉक्स में भी अभी तक मैं जब आपसे बात कर रहा हूं अभी तक सहमति पूरी तरह से बन नहीं पाई है। इसमें सबसे बड़ा जो धड़ा है वो टीएमसी अभी तक इस बात पे अड़ा हुआ है कि इंडिया ब्लॉक्स के किसी भी नेता ने उनसे बात नहीं की, यानी कि उनका कहना है कल अभिषेक बनर्जी से मेरी बात हुई, टीएमसी के कई सांसदों से मेरी बात हुई, उनका कहना है कल 3 बजे दोपहर में उनकी एक बैठक भी हुई और जो शाम को भी एक बैठक हुई उसमें उनका कहना है कि अभी तक इंडिया ब्लॉक्स की तरफ से किसी भी नेता ने हमसे संपर्क नहीं किया है और उनसे संपर्क करने की जगह उनको ममता बनर्जी से संपर्क करना चाहिए, उनका यह कहना है। इसके अलावा एक बयान और आता है कल शरद पवार की तरफ से, एनसीपी शरद पवार के अध्यक्ष शरद पवार, उनकी तरफ से एक बयान इस पर आता है कि आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि अब चुनाव कराने की नौबत आनी पड़ी। पवार साहब ने ये कहा कि मेरा मानना है, उन्होंने अपना अपना ओपिनियन दिया, मेरा मानना है कि वो जो है सर्वसम्मति से चुनाव करें। हमारे साथ हमारे सहयोगी कुमार आलोक भी जुड़ गए हैं, कुमार आलोक के सुरेश के आवाज से हमारे साथ जुड़े हैं। सुप्रभात कुमार आलोक, देखिए कांग्रेस ने भी व्हिप जारी किया है अपने सदस्यों को हाजिर रहने के लिए, और लेकिन जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि संख्या बल जो है वो एनडीए के पास है, बहुमत उनके पास है, ऐसे में क्या कुछ हलचल आपको उनके इंडिया ब्लॉक में नजर आ रही है? देखिए ये सांकेतिक लड़ाई है और जहां तक
एनडीए की हम बात करें, ओम बिरला की हम बात करें, तो जीत सुनिश्चित है, लगभग सुनिश्चित, लगभग नहीं कहा जाए बल्कि श्योर कहा जाए कि उनकी जीत सुनिश्चित है। 293 के उनके पास आंकड़ा है और 233 का आंकड़ा विपक्ष के पास है, और उसमें भी जैसे कि हमारे सहयोगी ने बताया कि टीएमसी नाराज है कि टीएमसी का कहना है कि हमसे कंसल्ट नहीं किया गया स्पीकर पद के उम्मीदवार को लेकर के। तो हमारे अभी केस वेस से हमने अभी बातचीत की उनसे और उनसे ये पूछा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, कल राहुल गांधी ने शाम को अभिषेक बनर्जी से बात की है, ममता बनर्जी से बात की है, और जो जो उनको उनके अंदर जो भ्रम था उसको हम लोगों ने दूर कर दिया है। तो हमारी ये जो लड़ाई है वो आर पार की लड़ाई है। हम भले ही नहीं जीते लेकिन हम ये संकेत देने में जरूर सफल होंगे कि हमारे पास आज मजबूत विपक्ष है, और इस मजबूत विपक्ष के नाते हम लोग 5 साल तक सरकार के साथ अपना संघर्ष जारी रखेंगे। बिल्कुल, यानी कि अगर कुमारालोक देखा जाए तो अभी सत्र शुरू हो रहा है और शुरू होते ही कहीं ना कहीं आर पार की जो चीजें हैं वो हमें देखने को मिल रही है। अभी फिलहाल अध्यक्ष पद का चुनाव ही हो रहा है, अध्यक्ष पद के लिए ही अलग अलग नामांकन पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं, तो ऐसे में ये कहना बेहद ही दिलचस्प होगा कि आगे जो अगले 5 साल है वो बेहद ही दिलचस्प होने वाले हैं, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तैयारी के साथ कहीं ना कहीं सदन के अंदर हमें मौजूद नजर आएगा। जी बिल्कुल सही कहा आपने, हमने ये प्रश्न भी किया के सुरेश से। देखिए के सुरेश के बारे में अगर हम कहा जाए तो ये 8 बार के सांसद हैं, 1989 में पहली बार ये चुने गए थे अदूर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से, और उसके बाद बीच में 2 बार ये चुनाव हारे भी। लेकिन अगर हम बात करें 2009 की बात करें तो 2009 में इनके खिलाफ जो CPI के उम्मीदवार थे अदूर से, इन्होंने इन पर ये आरोप लगाया था कि ये अनुसूचित जाति से बिलोंग नहीं करते हैं, और हाईकोर्ट ने इनकी सदस्यता रद्द भी कर दी थी। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सदस्यता बहाल की। तो कांग्रेस ने एक तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये अपने पार्टी के मुख्य सचेतक भी हैं इस लोकसभा लोकसभा जो हमारे जो वर्तमान लोकसभा है। हाँ जी। और उसके साथ ये पार्टी की तरफ से उम्मीदवार भी हैं। तो बहुत अपने आप में इंटरेस्टिंग है कि इन्होंने ही व्हिप जारी किया है, 3 लाइन का व्हिप इन्होंने ही जारी किया है कि आज सारे कांग्रेस के जो सदस्य हैं उनको उपस्थित रहना है 11 बजे दिन से लेकर के जब तक सदन स्थगित ना हो जाए शाम तक, तब तक सारे कांग्रेस के सदस्यों को यहाँ पर उपस्थित रहना है। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है कि मुख्य सचेतक भी यही है और पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष के उम्मीदवार विपक्ष के लोकसभा के उम्मीदवार भी यही है। तो चलिए अमरेंद्र और कुमार आलोक, आप दोनों ही अपनी नज़र बना कर रखिए इस चुनाव पर, आगे जो कुछ होगी अपडेट आपसे हासिल करेंगे, अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, ये अपडेट हमारे दर्शकों से साझा करने के लिए। बिल्कुल, और इसी के साथ में चलिए खबरों में भी आगे बढ़ लेते हैं, जहां आपको बता दें कि लोकसभा में कल सांसदों का शपथ ग्रहण हुआ, और इसी बीच तेलंगाना के हैदराबाद से एक बार फिर चुनकर सांसद बने असदुद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में अपने शपथ ग्रहण से नए विवाद को जन्म दे दिया है। दरअसल ओवैसी ने शपथ लेने के आखिर में फिलिस्तीन के समर्थन में नारा लगाया, और इसे लेकर सत्ता पक्ष के सांसदों ने विरोध दर्ज कराया। बाद में सभापति ने इसे रिकॉर्ड से हटाने के भी निर्देश दिए, और इतना ही नहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लोगों ने उनके भाषण को ट्रोल कर आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हरिशंकर जैन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 102 और 103 के संदर्भ में असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ भारत के राष्ट्रपति के समक्ष एक शिकायत भी दर्ज की गई है, जिसमें उन्हें संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई है। और इंडी गठबंधन ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा में नेता विपक्ष चुन लिया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद केसी वेणुगोपाल ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई गठबंधन की मीटिंग की जानकारी देते हुए कहा कि इस मीटिंग में राहुल गांधी को सदन में नेता प्रतिपक्ष बनाने को लेकर चर्चा हुई। कांग्रेस संसदीय दल के नेता ने प्रोटेम स्पीकर को चिट्ठी लिखकर इस बात की जानकारी दी। बैठक में लोकसभा स्पीकर के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, कहीं मत जाएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां केजरीवाल की जमानत याचिका पर आज अहम सुनवाई होनी है। देखना होगा कि उन्हें राहत मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन इसी बीच आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। अब
अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सबको मजेदार बने। MDH. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। Your gravity in physics don't call for shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत पर अंतरिम रोक लगाने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। दरअसल शुक्रवार को हाईकोर्ट द्वारा फैसला सुरक्षित रखने के बीच केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखट रहे थे, लेकिन शीर्ष अदालत ने तत्काल राहत देने से इनकार करते हुए 26 जून को इस मामले की सुनवाई के लिए कहा था। वहीं कल हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दी थी, लेकिन ईडी की अपील पर हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने PMLA के सेक्शन 45 के तहत जमानत की जरूरी शर्तों पर विचार नहीं किया, साथ ही साथ निचली अदालत द्वारा केस से जुड़े सारे दस्तावेजों की अनदेखी की गई। और विकास सारथी इसी खबर पर ज्यादा अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुप्रभात विकास, विकास क्या है ज्यादा अपडेट? जी शहला, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आज अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होनी है। आपने जैसा बताया कि कल हाईकोर्ट ने उनकी जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया था, जमानत को खारिज कर दिया था, और ये कहा था कि जो जमानत पर स्टे है वो आगे बरकरार रहेगा। पूरा मामला अभी सुप्रीम कोर्ट को तय करना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट पहले भी एक बार सुनवाई कर चुका है, उस वक्त कोर्ट ने कहा था कि हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद ही हम इस पर गौर करेंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि सुप्रीम कोर्ट तुरंत किसी तरह का कोई स्टे दे दे हाईकोर्ट के आदेश पर। दूसरा पहलू इस बीच में शैला यह हुआ है कि कल CBI ने तिहाड़ में जाकर के अरविंद केजरीवाल से पूछताछ की है, और इस बात की पूरी संभावना है कि आज CBI उन्हें अदालत में पेश करेगी और रिमांड मांगेगी, क्योंकि ये जो पूछताछ कल की गई उसके बाद उन्हें ऑफिशियली CBI के जो सूत्र है उनका कहना है कि ऑफिशियली उनको अरेस्ट दिखा दिया गया है, और इसीलिए अब उनकी जमानत पर और ज्यादा संकट शैला यहाँ पर घिरता नजर आ रहा है, क्योंकि ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट हालांकि अभी सुनवाई करने के बाद ही तय करेगा कि वो बाहर आएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन इस बीच में CBI के मामले में भी उन्हें अब लगता है कि पहले CBI की कस्टडी में रहना होगा, और उसके बाद CBI भी उनकी रिहाई का विरोध करेगी और ये कहेगी कि उन्हें फिलहाल न्यायिक हिरासत में रखा जाए, क्योंकि जांच में वो किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन कर सकते हैं, रुकावट डाल सकते हैं या गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। तो केजरीवाल की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं यहां से शैला। यानी कि जिस उम्मीद के साथ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था वो उम्मीद से के जरिए यानी कि कहीं ना कहीं राहत फिलहाल तो अरविंद केजरीवाल को नहीं मिलेगी। बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट में सबसे पहली बात अगर हम लोअर कोर्ट के आदेश को देखें और हाईकोर्ट में जब ईडी गई और वो जो कल आदेश आया, आप उन दोनों की तुलना करें तो वाकई लोअर कोर्ट के आदेश में कुछ कमियां हैं। मसलन सेक्शन 45 जो है उस पर गौर नहीं किया गया निचली अदालत की तरफ से, और एक दूसरा जो बड़ा मसला है कि जो रिटर्न सबमिशन थे ईडी की ओर से उन पर भी गौर नहीं किया लोअर कोर्ट ने। तो ये दो बड़ी रुकावटें हैं, और ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भी इनको लेकर के हाईकोर्ट के रुख से बहुत कोई अलग मत देगा इसकी संभावना बहुत कम लगती है। तो एक तो दिक्कत उनकी वो वहां पर तो है ही, और CBI का जो एक नया मामला जांच पूछताछ का और रिमांड का शुरू होगा वो एक अलग मुश्किलें उनके लिए पैदा करेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद विकास हमारे दर्शकों से ये तमाम अपडेट साझा करने के लिए। फिलहाल बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बिल्कुल, अगर अगली खबर की हम बात करें तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की आज सुल्तानपुर की MPMLA कोर्ट में पेशी होनी है, और उनके खिलाफ दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ की गई विवादित टिप्पणी मामले में मानहानि का मामला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेता ने उनके खिलाफ ये केस दर्ज कराया था। दरअसल चुनाव के दौरान गृहमंत्री अमित शाह पर टिप्पणी मामले में बीती 20 फरवरी को राहुल गांधी की सुल्तानपुर कोर्ट में पेशी हुई थी। मानहानि मामले में सुल्तानपुर की कोर्ट में राहुल गांधी को 25,000 रुपए की सिक्योरिटी और 25,000 रुपए के बेल बॉन्ड पर जमानत मिली थी।
और दरअसल आपको ये भी बता दें कि ये पूरा मामला अभी का नहीं बल्कि 4 अगस्त 2018 का है। कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज के रहने वाले विजय मिश्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस दर्ज कराया था। आरोप था कि राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित पीसी में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष और वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। और बात करें अगर मौसम की तो आपको बता दें कि दक्षिण पश्चिम मानसून देश के बाकी बचे हिस्सों की ओर लगातार बढ़ता जा रहा है। मानसून गुजरात और मध्य प्रदेश के कुछ एक हिस्सों में आगे बढ़ा है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ एक भाग और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी भाग में भी मानसून ने दस्तक दे दी है। वहीं देश के कई स्थानों पर जमकर वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक कई स्थानों पर भारी तो कहीं पर भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक कोंकण और गोवा में 28 जून तक अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। दक्षिण भारत की बात की जाए तो केरल, माहे दक्षिणी और तटीय कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 25 और 26 जून को अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। तो वहीं उत्तर पूर्वी राज्यों की बात की जाए तो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी वर्षा की चेतावनी है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में गुजरात, ओडिशा, बिहार और उत्तराखंड में बारिश की संभावना है। जहां देश में मानसून अपने पांव पसार रहा है तो वहीं पंजाब में अभी भी लू की स्थिति बनी हुई है। साथ ही साथ कल जैसलमेर में भी तापमान 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और राजधानी दिल्ली में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है जिससे आम आदमी को काफी दिक्कतों का सामना लगातार करना पड़ रहा है। और इसी बीच चिल्ला गांव में टैंकरों के जरिए लोगों की पानी की जरूरत को पूरा किया जा रहा है। तो आपको बता दें कि राजधानी नई दिल्ली में पानी की जो किल्लत है वो अभी फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही। लोगों को लगातार दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और दिल्ली में कई सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर टैंकरों के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है जिससे कि जो रोज़मर्रा के काम है, जो ज़रूरत है वो लोगों की कम से कम पूरी की जा सके। पानी की बात है तो पानी की समस्या आज भी जो कि तो बनी हुई है। हमारे आसपास त्रिलोकपुरी की बात करूँ, मेरवर फेस वन सोसाइटी अपार्टमेंट में सभी में गंगा वाटर आता है, लेकिन आज भी इस पूरे गांव में पानी की समस्या बनी हुई है। एक दो गलियों में पानी आता है लेकिन पूरे गांव की अगर मैं बात करूँ तो पूरे गांव में पानी आज भी हर घर में नहीं पहुँच पाया है, तो टैंकर व्यवस्था चल रही है। और नया सवेरा में खबरों का जो सिलसिला है वो यूं ही लगातार जारी है, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पार हम जानेंगे कि आज के अखबारों में क्या कुछ अहम सुर्खियां प्रकाशित की गई हैं। तो रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। लाल रंग इसका अपार, तीखा कम है फिर भी स्वाद। MDH कश्मीरी। MDH सोना सिर्फ कहना नहीं होता, कभी परंपराओं का प्रतीक, कभी पुश्तैनी पहचान, तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। दूसरा कोई करे या ना करे, मुथूट फाइनेंस ने सदियों से इस भरोसे को कायम रखा है और हमेशा रखेंगे। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। इंडिया का नंबर वन मोस्ट ट्रस्टेड फाइनेंशियल सर्विसेज ब्रांड। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नया सवेरा और अब बारी है अखबारों की सुर्खियां जानने की।
और चलिए अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नारायण दत्त मिश्र का। नारायण दत्त, सुप्रभात आपको। आज के जो अखबार आपके सामने हैं उनमें क्या कुछ मुख्य सुर्खियां प्रकाशित की गई हैं? नमस्कार शहला और कृतिका, जैसे कि अखबार की सुर्खियों पर हम चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं, तो पहली खबर है वो इमरजेंसी लगाने वाले संविधान से प्यार नहीं जताएं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो वक्तव्य है वो सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ये लिखा और यह कहा कि जो संविधान के ऊपर जो विशेष ध्यान आजकल दिया जा रहा है कि संविधान की धज्जियाँ ये सरकार उड़ा रही है, तो इसके प्रतिरोध में विरोध में उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि जो संविधान के प्रति जितनी श्रद्धा जो दिखा रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से संविधान की धज्जियाँ एक समय उड़ाई आपातकाल के दौरान, मीडिया पर सेंसरशिप लगाया और साथ ही साथ जिस तरीके से कोर्ट के भी हाथ बांध दिए गए, तो वो पार्टी और उस तरह का जो प्रशासन है वो इस बारे में ना बात करे। तो इसके जवाब में हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी यह कहा है कि आपके आपातकाल से लोकतंत्र को आघात पहुंच रहा है, यह अघोषित आपातकाल है। तो इस तरीके से एक ये सुर्खी है जिसमें आपातकाल को लेकर दोनों ही पार्टियां आपस में गतिरोध प्रदर्शित कर रही हैं। और इसके साथ ही जो दूसरी खबर है, राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष होंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि रायबरेली और वायनाड इन दो स्थानों से सांसद के तौर पर चुने गए थे राहुल गांधी, और उसके बाद से नेता प्रतिपक्ष कौन होगा, चूँकि पहली बार उसके ठीक पहले मल्लिकार्जुन खड़गे थे, और इस बार कौन होगा इस पर संशय के बादल छाए हुए थे। और अब अंत में कल जाकर प्रोटेम स्पीकर जो भर्तृहरि महताब हैं उन्हें सोनिया गांधी ने एक पत्र लिखा और उसके बाद यह क्लियर हुआ, यह साफ हुआ कि राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना जाएगा इस बार। और अगली खबर हम बढ़ते हैं, अगली खबर यह है कि अपने अपने अंदाज में ले रहे हैं जो सांसद शपथ, और कहीं कहीं बीच बीच में नारों पर भी हंगामा बरपा रहे हैं ये सांसद। जैसा कि हम देखें तो भाषा पर भी बड़ा ध्यान दे रहे हैं, चाहे वो दक्षिणवर्ती राज्यों के सांसद हों, और साथ ही साथ संस्कृत पर भी कुछ सांसद जो हैं वो अपना सांसद जो पद और गोपनीयता की जो शपथ लेते हैं वो ले रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जय भीम और जय हिंदू राष्ट्र, जय फिलिस्तीन जैसे जो नारे हैं उससे भी सांसद अपने अपने वक्तव्य जो हैं अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपने अपने मंतव्य अभिव्यक्त कर रहे हैं। तो ये थी खबर। और उसके अतिरिक्त जो चौथी खबर है, रद्द परीक्षाओं का नया शेड्यूल जो है वो 10 दिनों में जारी करेगा NTA। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस बारे में काफ़ी बवाल मचा रहा है पिछले दिनों, और प्रश्न पत्र लेकर ई रिक्शा जो है वो आधे घंटे में जहां पहुंचा जाना चाहिए था उसे, और वो 1.5 घंटे में पहुंच रही है वो ई रिक्शा। और इसी कारण जो कल मीटिंग हुई उस दौरान ये बताया गया कि परीक्षाओं में जो गड़बड़ियाँ हो रही हैं उसमें छात्रों और अभिभावकों से भी राय अब ली जाएगी, ताकि और बेहतर हो सके जो भारतीय शिक्षा प्रणाली में जो परीक्षा का जो स्तर है जो गिर रहा है उसको ठीक ठाक करने के लिए। और इसके अतिरिक्त अब बढ़ते हैं खेल की दुनिया से, खेल की दुनिया में देखते हैं कि क्या कुछ विशेष खबर है। कल जो एक विशेष खबर घटी, अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को बड़े रोमांचक अंदाज में डकवर्थ ल्यूइस नियम के तहत हराया 8 रनों से, और सेमीफाइनल में अपनी जगह जो है वो बुक कर ली, और जहां उसका मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। और दूसरा मुकाबला इसके साथ ही, जैसा कि हम सभी को मालूम है कि भारत और इसके अतिरिक्त इंग्लैंड के साथ होगा। और यहीं एक ध्यान देने वाली बात है कि डकवर्थ ल्यूइस, जिसके कारण अफगानिस्तान कल बेहतर तरीके से 8 रनों से जीता, वही डकवर्थ जो एक विशेष नियम है जहां गणितीय प्रणाली और गणितीय आकलन इस तरीके का होता है जिससे सामान्य क्रिकेट प्रशंसक समझ नहीं पाते, तो वो डकवर्थ कुछ दिनों पहले ही दिवंगत हुए। और इनके बारे में ये कहा गया जाता है कि 1997 में इनके द्वारा और इनके एक साथी हैं लुइस, टोनी लुइस, इन दोनों ने इस क्रिकेट में अपने विशेष नियम जो हैं वो यहाँ डाले थे, और जो आज भी क्रिकेट में थोड़ा विवादास्पद है पर यह अब चल रहा है। तो ये थी अखबार की सुर्खियाँ। आगे की खबरों के लिए रुख करते हैं शहला और कृतिका के पास। तो बहुत धन्यवाद नारायण, ये तमाम खबरें समेट कर हमारे दर्शकों तक पहुँचाने के लिए। और इसी के साथ में चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं खबरें दुनिया भर से कुछ खास। तो दुनिया भर की खबरों में अगर बात करें तो संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन के मंत्री प्रतीक माथुर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में व्यापक सुधार कर इसकी स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाने की वकालत की है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की चर्चा पर वार्षिक रिपोर्ट पर भारत का बयान पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया भर में हो रहे संघर्षों के साथ साथ आज के समय की जटिल और परस्पर जुड़ी वैश्विक चुनौतियों के प्रभावी ढंग से प्रबंधन के लिए सुरक्षा परिषद में सुधार
जरूरी है। High time to bring the council in line with its charter responsibilities to act on behalf of the entire membership. This will not be achieved without enhancing the membership of the council in both categories, permanent as well as non-permanent. We thus remain convinced that the only remedy is a comprehensive reform of the Security Council involving expansion in its permanent and non-permanent categories. Only this can enable the Council to manage effectively today's conflicts around the globe, as well as the increasingly complex and interconnected global challenges the world faces today. और चलिए अब दुनिया भर की अन्य सुर्खियों पर फटाफट अंदाज में डाल लेते हैं एक नजर। केन्या में नए फाइनेंस बिल के खिलाफ राजधानी नैरोबी में प्रदर्शन जारी। प्रदर्शन कर रहे हजारों लोग संसद में घुस गए। हालात पर काबू करने के लिए पुलिस ने फायरिंग की, जिसमें कम से कम 5 लोगों की मौत हो गई और दर्जनों जख्मी हो गए। कहना के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने संसद में घुसने की कोशिश कर रहे प्रदर्शनकारियों की कोशिश को लोकतंत्र पर अभूतपूर्व हमला करार दिया। इसके लिए उन्होंने संगठित अपराधियों को जिम्मेदार ठहराया। केन्या में तनावपूर्ण हालातों के मद्देनजर केन्या में भारतीय उच्चायोग ने एक्सपर्ट एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को अत्यंत सावधानी बरतने की सलाह दी है। एक्सपर्ट पोस्ट में कहा है कि मौजूदा तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए केन्या में सभी भारतीयों को अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है। विकिलीक्स संस्थापक जूलियन असांज ने अमेरिकी न्याय विभाग के साथ एक समझौते के तहत सरकारी डेटा चुराने के गंभीर आरोप में दोषी होने की दलील पर सहमति दी है। कोर्ट में उन्हें 62 महीने की जेल की सजा सुनाई, जो ब्रिटेन की जेल में बिताए 5 साल की सजा के आधार पर पूरी मानी गई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मार-ए-लागो स्थित घर और सोशल क्लब की तलाशी के दौरान जब्त किए गए दस्तावेज और सामग्री की तस्वीर जारी की गई है। ट्रंप के वकीलों ने तर्क दिया है कि मार-ए-लागो तलाशी वारंट ने अमेरिकी संविधान का उल्लंघन किया है, क्योंकि इसने एजेंटों को संभावित साक्ष्य जब्त करने के लिए संपत्ति की तलाशी लेने का अत्यधिक व्यापक अधिकार दिया है। ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खामनेई ने शुक्रवार को होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में भारी संख्या में मतदान का आह्वान किया है। उन्होंने इस चुनाव को ईरान के लिए एक अहम इम्तिहान बताया। स्पेसएक्स फाल्कन हैवी रॉकेट ने कल GOESU मौसम उपग्रह लॉन्च किया। NOAA के GOESU मौसम उपग्रह को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। प्रक्षेपण के तुरंत बाद रॉकेट के जुड़वा बूस्टर ने केप कैनावेरल स्पेस फोर्स स्टेशन पर सटीक लैंडिंग की। गोज यू उपग्रह को पश्चिमी गोलार्ध में मौसम निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है। और इसी बीच रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के उस पर हम बात करेंगे कारोबार जगत की तमाम खबरों की। प्राकृतिक हल्दी मिर्ची धनिया नहीं, मिर्ची धनिया हल्दी MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। घुटना कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी। ये कोई टेम्पररी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और अब बात करेंगे कारोबार की फटाफट अंदाज में। RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ऊंची ब्याज दर आर्थिक वृद्धि को बाधित नहीं कर रही है। उन्होंने ये भी साफ किया कि मौद्रिक नीति का ध्यान महंगाई को कम करने पर बना रहेगा। देश आर्थिक वृद्धि के स्तर पर प्रमुख संरचनात्मक बदलाव की दहलीज पर है। पश्चिम बंगाल में बीते दिनों हुए ट्रेन हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेल अधिकारियों को कवच के एडवांस वर्जन को मिशन मोड में इंस्टॉल करने के निर्देश जारी किए। अश्विनी वैष्णव ने रेल भवन में रेलवे के बड़े अधिकारियों के साथ मिलकर कवच 4.0 के नाम से विकसित उन्नत स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली के विकास का मूल्यांकन किया। कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार ने कपड़ा उद्योग के लिए स्वीकृत
10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन स्कीम का विस्तार परिधान क्षेत्र तक करने पर भी विचार कर रही है। मूडीज के मुताबिक भारत में तेजी से हो रहे आर्थिक विकास, औद्योगिकरण और शहरीकरण से जल स्तर तेजी से नीचे जा रहा है। मूडीज के मुताबिक जलवायु परिवर्तन की वजह से सूखा, लू और बाढ़ पहले की तुलना में अधिक होंगे। दूरसंचार कंपनियों ने स्पेक्ट्रम की नीलामी के पहले दिन ठंडी प्रतिक्रिया मिली और 5 दौर की नीलामी में करीब 11,000 करोड़ रुपए के मूल्य की बोलियां ही लगाई गई। बोलियां मुख्य रूप से 900 और 1800 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के बैंड में लगाई गई। इसमें रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया हिस्सा ले रही हैं। अडानी ग्रुप मौजूदा वित्त वर्ष के दौरान अपनी पोर्टफोलियो कंपनियों में करीब 1.3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगा। अडानी ग्रीन एनर्जी 14,000 करोड़ रुपए निवेश कर गुजरात में खावड़ा संयंत्र का विस्तार करेगी। उद्योगों में ग्राहक अपने कारोबारों को नया रूप देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का इस्तेमाल करना चाहते हैं। विप्रो के CEO श्रीनिधि पल्लिया ने कंपनी के वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 में ये जानकारी दी है। कर्नाटक दुग्ध महासंघ ने आज से दूध की कीमतों में बढ़ोतरी की घोषणा की है। KMF ने यह भी कहा है कि वो अपने आधे और 1 लीटर के पैकेट में दूध की मात्रा 50 मिलीमीटर तक बढ़ाएगा। और चलिए कारोबार जगत की तमाम खबरों के बाद अब जानते हैं खेल जगत की तमाम खबरें फटाफट अंदाज में। राष्ट्रमंडल खेलों की रजत पदक विजेता तुलिका मान ने जूडो में भारत के लिए पेरिस ओलंपिक का कोटा हासिल किया। तुलिका को 78 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में जगह मिली। भारत के पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी सुहास इथिराज विश्व के नंबर एक पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी बन गए हैं। सुहास ने फ्रांस के लुकास माजुर को हटाकर SL4 वर्ग में शीर्ष स्थान हासिल किया। इंग्लैंड में हो रही 7 मैचों की डेफ T20 सीरीज में भारत ने 4-2 की अजय बढ़त बना ली है। मंगलवार को खेले गए 2 मुकाबलों में भारत ने जीत हासिल की। और चलिए अब जान लेते हैं खबरें सिने जगत यानी ग्लैमर वर्ल्ड से फटाफट अंदाज में। बहुप्रतीक्षित फिल्म इंडियन का सीक्वल इंडियन 2 बड़े पर्दे पर आने के लिए तैयार है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज, ट्रेलर में कमल हासन एक बार फिर से दर्शकों का दिल जीत रहे हैं। 69 साल की उम्र में धांसू स्टंट करते वो नजर आएंगे। आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की कुछ तस्वीरें धूम मचा रही हैं। तस्वीरों को अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट की मास्करेड पार्टी में क्लिक किया गया। आलिया ने खुद अपने इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर इन तस्वीरों को पोस्ट किया है। जहीर इकबाल ने शादी के बाद सोनाक्षी सिन्हा को नई इलेक्ट्रिक कार गिफ्ट की जिसकी कीमत करीब 2.25 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में सोनाक्षी और जहीर शादी के बाद BMW i7 में बैठे नजर आ रहे हैं। बिग बॉस ओटीटी 3 में नीरज गोयत को मिडवीक में ही घर से बाहर कर दिया गया। दरअसल घर वालों को वीक एविक्शन का फैसला लेने के लिए कहा गया। उनके वोट के आधार पर शिवानी कुमारी घर में सेफ हो गई जबकि नीरज गोयत को घर से बाहर आना पड़ा। Amazon MGM Studios ने एक्शन एडवेंचर फिल्म रेड वन का ट्रेलर जारी किया। फिल्म में ड्वेन जॉनसन और क्रिस इवांस मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म में जॉनसन और मार्वल स्टार क्रिस इवांस का साथ दिल जीतने वाला है। भारत में धूम मचाने के बाद शार्क टैंक पाकिस्तान में भी शुरू होने जा रहा है। शो के शार्क्स फाइनल हो चुके हैं और उनके नाम भी सामने आ चुके हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में शो के मेकर्स फिलहाल पिक्चर्स यानी कंटेस्टेंट्स की तलाश कर रहे हैं। तो इसी के साथ नया सवेरा में अब बात करेंगे मौसम की, लेकिन आप देखिए क्या है विभिन्न शहरों में मौसम का हाल। हमें कृतिका को और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।
नया सवेरा के प्रायोजक थे एमडीएच, बढ़िया है, शुद्ध है एमडीएच, मिर्ची धनिया हल्दी।